Business News is brought to you by Winner Institute. नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बिजनेस न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। 15 दिनों में कोयला उत्पादन में आई तेजी, प्रतिदिन कोयला उत्पादन 26.40 लाख टन रहा। कोलगेट को आईटी से 170 करोड़ का स्थानांतरण आदेश, नहीं दी गई अंतर्राष्ट्रीय लेन देन की अनुमति। कोलगेट पामोलिव इंडिया को आयकर अधिकारियों से 170 करोड़ रुपए का ट्रांसफर प्राइसिंग ऑर्डर मिला है, इसमें कुछ प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय लेन देन की अनुमति नहीं दी गई है। स्थानांतरण मूल्य निर्धारण आदेश वित्त वर्ष 2021-22 के लिए है। स्थानांतरण मूल्य से तात्पर्य दो संबंधित संस्थाओं के बीच सीमा पार लेन देन के मूल्य निर्धारण से है। कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि कंपनी मूल्यांकन कार्रवाई पूरी होने का इंतजार करी है और इसे विवाद समाधान समिति के समक्ष ले जाएगी। कंपनी ने कहा कि कंपनी मसौदा मूल्यांकन कार्रवाई के पूरा होने का इंतजार करी है और इसके बाद विवाद समाधान समिति DRP के समक्ष एक आवेदन किया जाएगा। कर निर्धारण प्राधिकरण ने कंपनी के कुछ अंतर्राष्ट्रीय लेन देन की अनुमति नहीं दी है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि 17% भारतीय परिवार शेयरों में निवेश करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने निवेशक बैंकरों से बाजार में गुणवत्तापूर्ण कंपनियों को लाने का आग्रह भी किया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने यह एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ऑफ इंडिया के एक कार्यक्रम में कहा कि आम लोगों के भरोसे के कारण उद्यमियों में निवेश कर रहे हैं और निवेशकों की संख्या बढ़ी है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी चौहान ने कहा कि 5 करोड़ परिवारों के 8 करोड़ निवेशकों ने निवेश किया हुआ है। इसका मतलब है कि देश के कुल परिवारों में से 17% सीधे शेयर बाजारों में निवेश करते हैं। कोयला उत्पादक राज्यों में अक्टूबर के शुरुआत में बारिश होने के बाद पिछले 15 दिनों में देश के कोयला उत्पादन में तेजी आई है। इस दौरान सभी स्रोतों से कोयला उत्पादन 26.40 लाख टन प्रतिदिन रहा। कोयला मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान 28 अक्टूबर तक देश में कोयला उत्पादन पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 12.81% बढ़ गया है। पिछले वर्ष के समान अवधि की तुलना में कोयले की कुल आपूर्ति में 11.70% की वृद्धि हुई है। इस दौरान बिजली क्षेत्र को कोयला आपूर्ति 7.87% बढ़ी है। कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में कोयले के भंडार में पहले कमी देखी जा रही थी, लेकिन पिछले 10 दिनों के दौरान इसमें वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है। इससे पता चलता है कि ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले की आपूर्ति और प्राप्ति खपत से अधिक है। सितंबर में देश के 8 प्रमुख उद्योगों का उत्पादन 8.1% बढ़ा। ये 4 महीनों की सबसे धीमी ग्रोथ है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की तरफ से मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक अगस्त में कोल सेक्टर में 14 महीनों की सबसे ऊंची 12.1% ग्रोथ दर्ज की गई थी। कोयला, कच्चा तेल, स्टील, सीमेंट, बिजली, खाद, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स और प्राकृतिक गैस कोल सेक्टर के हिस्सा है। मंत्रालय ने ये रिपोर्ट जारी करते हुए ये भी कहा कि अगस्त में कोल सेक्टर का शानदार प्रदर्शन मुख्य रूप से बेस इफेक्ट की वजह से रहा था। इसका मतलब है कि पिछले साल अगस्त में 8 प्रमुख उद्योगों का उत्पादन काफी धीमी गति से बढ़ा था, लिहाजा इस साल अगस्त में सामान्य ग्रोथ भी बड़ी नजर आई थी। बहरहाल सितंबर 2022 में कोल सेक्टर की ग्रोथ 8.3% रही थी। अप्रैल सितंबर के बीच भी कोल सेक्टर की ग्रोथ 7.8% रही, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में ये ग्रोथ 9.8% थी। सार्वजनिक क्षेत्र की गैस कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड ने मंगलवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में उसका शुद्ध लाभ 56% बढ़ा। कंपनी ने कहा कि गैस पारेषण और विपणन कारोबार से हुई बंपर कमाई ने पेट्रोल रसायन कारोबार में हुए घाटे की भरपाई करने में मदद की है। गेल ने शेयर बाजार को बताया कि जुलाई सितंबर 2023 में उसका एकल शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 54.4% बढ़कर 2,404.89 करोड़ रुपए, यानी 3.67 रुपए प्रति शेयर रहा। यह आंकड़ा पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 1,537.07 करोड़ रुपए, यानी 2.34 रुपए प्रति शेयर था। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में गेल की गैस परिषद व्यवसाय से कर पूर्व आय 82% बढ़कर 1,290.65 करोड़ रुपए हो गई। वहीं प्राकृतिक गैस के विपणन से कर पूर्व आय भी लगभग 400% बढ़कर 1,784.58 करोड़ रुपए हो गई। खबरें समाप्त करने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर।
15 दिनों में कोयला उत्पादन में आई तेजी, प्रतिदिन कोयला उत्पादन 26.40 लाख टन रहा। कोलगेट को आईटी से 170 करोड़ का स्थानांतरण आदेश, नहीं दी गई अंतर्राष्ट्रीय लेन देन की अनुमति। बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही, ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए इन बिजनेस न्यूज़। नमस्कार।